आज के वीडियो में हम आपको उस जमाने में लेकर जाएंगे जब टीवी का जमकर क्रेज हुआ करता था और देखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक दूरदर्शन चैनल ही हुआ करता था। कितने कमाल के एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर उस समय आया करते थे। इन एडवर्टाइजमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है खूबसूरत सोनाली बेंद्रे का ये विज्ञापन। अफ्रीका की खूबसूरत लोकेशंस और शानदार म्यूजिक इस एड को शानदार और यादगार बनाने में कामयाब रहे थे। निर्मा बाथिंग सोप की यह एड टीवी पर कई साल तक चली थी। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्यों खिली खिली यूं सवर सवर, जाने जिगर तुम चली कहां। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान। नंबर दो, बचपन के स्कूल डेज को शायद ही कोई होगा जो अपने जीवन में कभी भूल पाएगा। स्कूल का नया साल शुरू होने से पहले ही हमें नया यूनिफॉर्म, नया बैग्स, नए शूज लेने की चुल मची होती थी। इन सब चीजों को खरीदने का एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता था। मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक्शन शूज का यह एड जरूर याद होगा। अगर याद है तो कमेंट में हमें जरूर बताना। नंबर थ्री, फेविक्विक जब मार्केट में आई थी तब इसने अपनी फनी एड कैंपेन के जरिए खूब नाम कमाया था। जरा गौर से इस एड को देखिए, क्या आपको यह एड याद है? बचपन में यह एड देखकर मैं तो बहुत हंसा था। नंबर फोर, कई और फेविकोल की एड्स बहुत ज्यादा मजेदार हुआ करती थी। नंबर फाइव, दोस्तों क्या आपको हमाम का यह एड याद है? हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ ना उसकी सुरक्षा के लिए, और मेरी आपकी तो सबसे पहले। ये हो गई हाथ की सुरक्षा, और ये हमाम में तुलसी, नीम, पुदीना और नींबू के कुदरती गुण हैं, इसीलिए हमाम है पूरी तरह सुरक्षित। मम्मी, छोटू कहता है तुम कितनी अच्छी हो। कितनी? वो तो नहीं बताया। सुरक्षा का प्यारा बंधन हमाम। नंबर सिक्स, दोस्तों पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। इसकी पैकेजिंग स्टाइल सालों तक एक जैसी ही है, पर यह पार्ले जी गर्ल जरूर बदल गई है। आजकल तो यह ऐड देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि शायद ये ब्रांड अपने आप में इतना फेमस हो चुका है कि इसको ऐड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 90s में पार्ले जी की ये ऐड आपको बचपन की गलियों में जरूर ले जाएगी। सबको पता है जी, सबको पता है जी,
बरसों से चाहत अपनी यही है जी, अपनी भी सांस भरे शक्ति भरे बरसों से। नंबर 7, डाबर लाल दंत मंजन का ये एड आपको जरूर याद होगा। बच्चों, ये है हमारे दांतों की बनावट। दांतों और मसूड़ों को ठीक से साफ न करने से इसका असर पूरे शरीर पर होता है। इन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मास्टर जी, आपके दांत डाबर का लाल दंत मंजन ये बहुत ही अच्छा है मास्टर जी। सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद मास्टर जी। आप तुमने कहा था ना, अब मैं भी डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करूंगा। दांतों की करे हिफाजत, मोती सा चमकाए, डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिल खिल जाए। किफायती और असरदार डाबर की एक आयुर्वेदिक देन, डाबर लाल दंत मंजन। नंबर 8, ये एड आपके चेहरे पर जरूर मुस्कुराहट लाएगी। इस एड में अमूल और उससे बने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। खुशियों की फुहार, 12 महीने